तीसरे पक्ष द्वारा माल की कीमत का निर्धारण में रुकावट। यदि तीसरे पक्ष को खरीदार या विक्रेता द्वारा कीमत तय करने से रोका जाता है, तो रोकने वाला पक्ष दूसरे पक्ष को नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। इसलिए विकल्प ए, सी और डी गलत है। जब एक सेल के एग्रीमेंट में ये कंट्रैक्टिंग पार्टी में ये तय रहता है कि और एक पार्टी थर्ड पार्टी उसका प्राइस फिक्स करेगी या वैल्यूएशन फिक्स करेगी, लेकिन उसमें दोनों बायर और सेलर के अंदर में कोई पार्टी उसे फिक्स नहीं करने देता है, माली नहीं दिखाता है या और कुछ करता है जिससे वो पार्टी उसकी प्राइस वैल्यूएशन या प्राइस फिक्स नहीं कर सकती है, तब जो एग्रीड पार्टी है वो जो पार्टी रोक रही है करने नहीं दे रही है उसके ऊपर में डैमेज क्लेम कर सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है, लेकिन सू फॉर परफॉर्मेंस ये वाद्य नहीं कर सकता कि नहीं तुम करो ही, ये नहीं, जो नुकसान हुआ है उसका वेरीफाई का क्लेम कर सकता है, कंपेंसेशन भी क्लेम नहीं कर सकता है, डैमेज मतलब जो क्षति हो गया उसका क्लेम कर सकता है, कंपेंसेशन अलग चीज़ है, उससे कितना अमाउंट का क्षति हुआ उससे लिंक नहीं भी हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन थर्ड पार्टी को ही करना है, ये नहीं कि उसके भीतर में एक पार्टी नहीं मैं वैल्यूएशन कर देता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो दोनों के लिए वो दूसरी पार्टी वो मान भी नहीं हो सकती है कि माने नहीं, अतः विकल्प बी सही उत्तर है।